दिल से बहुत रोया पर आंखों से रो ना सका, जिंदगी बीत गई सड़कों पे, घर पे सुकून से सो ना सका। बड़ा मतलब काला खट्टा के नाम पे मेरा चूतिया काट दिया, क्योंकि पालन नहीं करने पे इतने सारे चालान एक्सीडेंट सब हो रहे हैं। महादेव सभी को आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो अभी हम हैं अपने लोडिंग पॉइंट पे, दिन में आए थे, वो वाली वीडियो यहीं पे एंड की थी, क्योंकि कंटिन्यू अभी आज जाऊंगा तो मेरा ये है दूसरा चक्कर होगा, क्योंकि एक दिन नेपाल गए थे, नेपाल जा रहे थे तो आधे रास्ते से वापस होना पड़ा। मतलब नेपाल गए ही क्या, गोरखपुर से मुझे वापस आना पड़ा। मैं रजनीकांत की गाड़ी से गया हुआ था और मेरी गाड़ी जो है घर पर कमानी वमानी तोड़ के बैठी थी, तो भैया को बोला था, बड़े भैया ने कमानी वमानी सब बनवा के फिर गाड़ी रेडी किया। मेरी गाड़ी जो है परसों आई गोरखपुर, तो कल खाली की। कल मैं गाड़ी के साथ आया, लोड करके मैं निकल गया लखनऊ, और अभी फ़िलहाल लखनऊ से खाली करके आया हूँ। अभी फिर मैं हूँ अभी चुनार में, और अपनी गाड़ी जो है वो लोडिंग चालू होने जा रही है, देख सकते हैं मैजिक में। इसमें 9 या 10 गोनी है, वो पलटी मारेंगे। पलटी मरवाने के बाद फिर पहले माल पलटी मराते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए, चिकन शोरमा अपना रेडी हो गया। हाँ पार्सल है, चिकन शोरमा लेंगे, खाना कुछ है नहीं, खाना था दोपहर को अपना, दो शोरमा है उसको खाएंगे, पानी वानी पी के मस्त चलेंगे। अभी हम हैं आजमगढ़ और 11:30 बज रहा है भाई, नींद लग रहा है यार, मतलब क्या ही बोलूँ, कितना नींद लग रहा है, गजब नींद लग रहा है, क्या ही बोलूँ। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु फाइनली पहुँच चुके हैं मंडी, रास्ते में कहीं मतलब सिर्फ इंट्रो शूट किया था और कुछ खाने के लिए वही वीडियो बनाया था। नींद ही हमारे सर दर्द इतना हो रहा था ना, मैं क्या बोलूँ, क्या चल रहा है मेरी लाइफ, मेरे को खुद ही नहीं, कैमरा उठाने का पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा है। कई दिनों से एकदम कुछ न कुछ, पहले इतना अच्छा था, ब्लॉगिंग करो, मस्त काम करो, बट पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और वापस बैक करेंगे जैसे थे वैसे, थोड़ी तकलीफें हैं, चल जाएंगी, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अभी मैं चलूँगा सोने के, कंटिन्यू बहुत दिनों से नहीं सोया हूँ, तो नींद के मारे ही मेरा सर दर्द हो रहा था। तो चल रहा हूँ गाड़ी में, न सो के दुकान में सोऊंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम सोने का इच्छा है, तो चल रहा हूँ गाड़ी में नहीं और दुकान में सोऊंगा। तो पहले चलता हूँ सोने, फिर स्टोर उठूँगा, फिर मिलूँगा आप सबसे। गुड मॉर्निंग सभी को, महादेव गुरु, सुबह हो चुकी है और जो है मैं मंडी में सोया था और मुश्किल से आधे घंटे सोया था, तुरंत मेरी गाड़ी खाली हो गई, नींद में ही सब जगा के भाड़ा वाड़ा दे दिए और मैं निकल के आ गया। रास्ते में एक जगह गाड़ी लगा के सोया था, अभी जस्ट उठा हूँ, 9:30 बज गए, अब यहाँ से चल रहा हूँ घर। आज 5 दिन हो गया, चलना है घर पहले, गाड़ी देखते हैं कौन लेके जाएगा कौन नहीं, पहले यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ आजमगढ़ और बढ़ते हैं धीरे धीरे मंजिल की तरफ, मतलब घर की तरफ। और जो है मुझे भूख लगी नहीं है, और भूख लगी भी है पर मंगलवार है, घर पे टाइम पे पहुंच जाऊंगा तो पूजा भी करना है, और 5-6 दिनों क्या जाग के बिना काम धंधे का भी मतलब ही जाग रहा हूँ, मतलब 2 दिन तो गाड़ी पे हो गए, उसके पहले 3 दिन तो वही नेपाल के चक्कर में जाग गए, और यूट्यूब पे मेरा वीडियो नहीं चल रहा है यार, और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। जब मोनेटाइज नहीं हुआ था चैनल, उसके पहले सारा कुछ सही था, एवरेज व्यू 6,000-7,000 आ रहे थे, बट अब 2,000-1,000, बताइए क्या चल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना सो रहा हूँ ना, मतलब रात को इतना नींद आ रहा था, क्या ही बताओ। वही बात हो गई, किसी ट्रक के पीछे मैं पड़ रहा था, कल या परसों लिखा था, दिल से बहुत रोया पर आंखों से रो ना सका, जिंदगी बीत गई सड़कों पे, घर पे सुकून से सो ना सका। बड़ा मतलब क्रिएटिव होते हैं हमारे ड्राइवर भाई लोग, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देते हैं ना कि क्या ही बोले। अगर आपको भी चीज़ें पता हो जो ट्रक पे लिखा होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे जो लाइन अच्छी लगेगी मैं उसको पिकअप कर लूँगा, हर वीडियो में एक एक चीज़ें बताएंगे ऐसे ट्रैक पे लिखी हुई चीज़ें। तो बस पहले यहाँ से चलते हैं, फिर रास्ते में कुछ खाना पीना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखते हैं, क्योंकि भूख लगा है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु आजमगढ़ क्रॉस हो के आ गए हम, लालगंज पहुँचने वाला हूँ, आजमगढ़ में लालगंज एक जगह है, वहाँ पर बढ़ते हैं। अभी तक देखते हैं, ये रोड पहले जो था
ये रोड आधा इधर से आधा उधर से था। लालगंज भी हम लोग लालगंज मार्केट होके निकलते थे और ये पूरा कंप्लीट नहीं था, बट अब जो है लगभग क्या ये पूरा कंप्लीट हो गया है। वही एक टोल बाकी है, अब टोल का जो हो जाए टोल अभी चालू होना। अरे बाप रे बाप, सामने एक ट्रक है रैंडम देख सकते हैं। अरे माँ का सामने क्लीनर साइड, ड्राइवर साइड तो सही है पर क्लीनर साइड जो है वो पूरा देख सकते हैं, ये धजिया उड़ गई है एकदम एक साइड से। किसी चीज़ में मारा है भाई साहब, बहुत मतलब भयंकर तरीके से मार दिया है। पर अपने को क्या है, रोड सेफ्टी बताना है, रोड पे चलना है, आपको नींद लगे जैसे भी आगे बढ़ते रहें धीरे धीरे मुँह धो के। मेरा भी है, मेरे को भी नींद आती है। कल तो मैं इतना सो के गया हूँ कि तीन जगह आधे आधे घंटे सोया हूँ, बहुत सोया कल सो के कैसे कैसे 3:30 बजे पहुँचा, साढ़े तीन बजे पहुँच गया, 4 बजे के आसपास सोया और 5 बजे जो है वो मैं मंडी से निकला था। 5 बजे मंडी से निकला और डायरेक्ट जो है निकल के आया दोहरी घाट पहुँचा। दोहरी घाट पहुँच के मुझे लगा थोड़ा सो लेना चाहिए क्योंकि बहुत दिन से जागना, गाड़ी पे नींद पूरा नहीं हो पाता यार। ये गाड़ी के अंदर मैं मान लो मेरा सीट तो ठीक है पर इसमें सोना बड़ा वो हो जाता है क्योंकि घर पे 4 घंटा सोना और गाड़ी के अंदर 8 घंटा भी आप सो लेंगे ना तो वो चीज़ें मायने नहीं रख पाती हैं। तो यही सारा सीन है गाड़ी का, घर पे आप 2 घंटा सोते हैं समझ लीजिए गाड़ी के 4 घंटा सोने के बराबर है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु मैं रुका हूँ अभी चंदवक, मुझे दिखा ना गोला वाला जिसको बहुत से लोग सिकंजी भी बोलते हैं, बहुत से अभी आप क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, पर मैं यहाँ पे तो पहले नहीं था, मुंबई में पहले हम लोग बहुत खाते थे। तो अभी चल रहा हूँ वही लेने, आगे है चलता हूँ ठेले के पास, फिर मिलता हूँ आप सभी से। ग्लास वाला दिया ना, बनवा के लेके आ गया पर बहुत ही वाहियात दिया है, बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को। काला खट्टा के नाम पे मेरा चूतिया काट दिया सर। चलिए यहाँ चलते फिर आगे मिलते हैं। भाई तो इतना बकवास काला खट्टा खिलाया ना, मेरा मुंह बस लाल हुआ है और क्या ही बोलूँ, पता नहीं कितने साल बाद आज काला खट्टा बोला एक का। क्या बोलूँ यार, मतलब गजब बेकार लग रहा था, बहुत फेंक दिया उसको मैं, पता नहीं कैसे बनाया था। यहाँ पे हम लोग मुंबई रहते थे जब खाते थे ना भाई, इतना मस्त बनाते थे ना वो लोग, क्या ही बोलना, मतलब मज़ा आता था। दिन भर सिकंजी खाते रहते थे और एक वो मिलता था, 1 रुपये का मिलता था, उसका नाम क्या था भूल गया मैं, 1 रुपये का एक मिलता था लंबा वाला पेप्सी जैसा, मतलब लंबा रहता था, और एक 2 रुपये का मिलता था छोटा सा, खाने में मैंगो फ्लेवर्ड आता था, बड़ा मज़ा आता था यार। पर अब यहाँ वो चीज़ें मिलती नहीं है। पर चलते हैं, आज ठंडा गर्मी आ गया, अब चल रहा हूँ तो ओरियो मिल्क शेक पीऊँगा क्योंकि बहुत दिन हो गया पी के। तो चल रहा हूँ, अभी चलता हूँ ओरियो मिल्क शेक पियेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, अभी देखते हैं ड्राइवर कब आते हैं, फिर हम घर जाएंगे क्योंकि 2 बजने वाला है घर जाने, मुझे 3 बज जाएगा, तो फिर गाड़ी देख के उनको फिर मुझे आना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं उन्हीं को बुला लेता हूँ बाइक से, वो आएंगे और मैं अपना चले जाऊँगा, वो अपना लोड करके चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ से चलते फिर मिलते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु फाइनली आ गए अपन वाराणसी रिंग रोड, और ये है रिंग रोड मतलब हरुआ राजा तलाव हाईवे। अब यहाँ से चलेंगे आगे और जो है कि अपना खाना वाना कुछ खाएंगे, 2 बज गया है, भूख लगी है, मंदिर अब शाम को जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद घर जाऊँगा तब जाऊँगा। पहले चलते हैं यहाँ से अपन राजा तालाब, कुछ खाते पीते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली पहुँच गए हम राजा तालाब, और ये जो है हम रॉन्ग साइड उतर गए, पुल ध्यान नहीं दिए, पुल पे चढ़ गए, उधर से पुल चढ़ के अब इस साइड उतर गए,
अभी इस साइड से आता हूँ, पुल उतर के उस साइड जाएंगे, फिर उस साइड हो पाएंगे। उस साइड इस साइड में किस साइड में जा रहा हूँ मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। तो रॉन्ग से ना जाते हुए अपन पुल चढ़ के उतरेंगे वापस, और फिर अपना वो साइड हम हो जाएंगे पुल उतर के, क्योंकि रॉन्ग जाना ठीक नहीं रहेगा, लोगों को तकलीफ होती है रॉन्ग साइड से जाना, और मैं तो बिल्कुल रॉन्ग से नहीं जाता कभी। ट्रैफिक रूल का अच्छे से पालन करें बिल्कुल, क्योंकि पालन नहीं करने पर इतने सारे चालान्स एक्सीडेंट सब हो रहे हैं। पालन करने के बावजूद तो हमारा काम है वापस से। इस हाईवे को आपने रात में देखा होगा, जब मैं रात को आता हूँ कभी कभी यहीं पे वीडियो शूट करते हैं, सारी लाइटें वाइटें लगी हैं, यही होता है। तो आज दिन में देखिए हाईवे को, और राजा तालाब हरहुआ हाईवे है ये, बाईपास रोड भी कह सकते हैं। इधर से अपन दिल्ली इलाहाबाद लखनऊ चले जाएंगे, इधर से धनबाद मतलब बंगाल ये सब चले जाएंगे। तो अब यहाँ से अपने को आगे से यू टर्न लेना है, यू टर्न लेके जो है अपने राइट साइड में जाना है। इधर ट्रक पीछे से ठोक दिया है बेचारे ने। ये हाईवे पे बड़ा तेज एक्सीडेंट होता है, सब पीछे से आगे से, क्योंकि वन वे है, पता है नहीं कौन सा हिसाब से चलते हैं, सब जाके पीछे से ठोके पड़े रहते हैं। तो गुरु फाइनली हम हैं पेट्रोल पंप पे, तेल लगाने के लिए रुके हैं, चलते हैं पहले तेल लगाने, फिर मिलते हैं आप सभी से। सर उल्टा डाल दे रहा यार, तीन हजार तक बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ग्रुप फाइनली जो है वो हम सो के उठ चुके हैं, और पहुँचे थे यहाँ पे तकरीबन तेल वेल डला के आ गए थे, और आने के बाद जो है सो गए थे, मस्त सो के उठ रहे हैं। अभी चार बज रहा है, चार नहीं पाँच बज रहा है, और ड्राइवर को फ़ोन किया है वो आ रहे हैं, उनके पास आज बाइक नहीं है, और मेरी बाइक जो है छोटा भाई लेके गया हुआ है, बनारस है वो, तो मैं अभी चुनार में हूँ, तो मुझे भी मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ, आगे मार्केट है वहाँ, वो टेम्पो से आएंगे और मैं ये गाड़ी उनको दूंगा, और वहाँ से जो है मैं टेम्पो से अपना मैं भी घर चलूँगा। फिर नहा धो के देखते हैं क्या, नहा धो के शाम हो जाएगा चलूँगा थोड़ा मंदिर, मंदिर जावा के आऊँगा, फिर कल का देखते हैं क्या होता है। कल गाड़ी लेके ये रहेंगे, और मैं जाने वाला हूँ अभी फ़िलहाल, हो सकता है तो कल नहीं परसों ट्यूसडे को, हाँ ट्यूसडे को जाने वाला हूँ मैं, हो सकता है समस्तीपुर, पिकअप से नहीं स्कॉर्पियो से जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। कल जो है वो एक अलग सा ब्लॉग होने वाला है, देखते हैं कैसे होता है। कल गाड़ी पे रहूँगा नहीं, पर एक सेपरेट ब्लॉग बनाने वाला हूँ, बड़ा मस्त छोटा ब्लॉग बट अच्छा ब्लॉग बनाऊंगा। घूमने जाने वाला हूँ कल, मॉर्निंग में उठेंगे और डायरेक्ट चल देंगे घूमने, तो देखते हैं कल का क्या सीन है। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी ऊपर रोड पे लेके चलेंगे और ड्राइवर के पास चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। गुड मॉर्निंग सभी को, महादेव हो चुकी है सुबह, मस्त फ्रेश फ्रेश सुबह, घर पर आया रात को लेट, और लेट आया, अभी थोड़ा सा कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहा हूँ, तो अभी छत पे हूँ मैं। तो कल वाली वीडियो एंड नहीं किया था, तो उस वीडियो को सोचा एंड कर दूँ, तो उस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सामने से धूप आ रहा है इतनी तेज़ ना क्या बताएं, अब बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।